छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल जी इस समय हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए जाए सर, इस समय बहुत ज्यादा इस देश के अंदर जो है उथल पुथल मची हुई है। अभी नागपुर के अंदर बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं उन्होंने चमत्कार की बात की थी, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि चमत्कार है या नहीं? आज के युग में चमत्कार का कोई अस्तित्व नहीं है जी, क्योंकि आज विज्ञान का युग है और छोटे बच्चा मोबाइल पकड़ के भले उसमें चश्मा लग जाए लेकिन वो मोबाइल छोड़ता नहीं है और मोबाइल से पूरे देश का ज्ञान हो जाता है। तो छोटा बच्चा भी अंधविश्वास को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इन लोगों की काल्पनिक बातें हैं जो ये कहते हैं कि अविज्ञान के द्वारा ये बीजेपी को चलाना चाहते हैं, जो गलत है। बीजेपी इस मुगालते में न रहे और आगे छत्तीसगढ़ में तो ये हाल है कि बीजेपी एक भी सीट पाने के लिए पाएगी नहीं और छत्तीसगढ़ विरोधी पार्टी विहीन ये बनेगा और दुनिया में सबसे बेमिसाल रहेगा। वहाँ एक भी सीट बीजेपी पाने वाली नहीं है क्योंकि लोग अब समझ रहे हैं कि पिछड़े वर्ग को बीजेपी पसंद नहीं करती और पिछड़े वर्ग के काम कोई कर का है नहीं, इसलिए भाजपा को अब एक भी सीट मिलने वाली नहीं है छत्तीसगढ़ में। बघेल साहब, देखा जाए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राम के नाम पर इस देश की वोटों को बटोरने का काम कर रही है और पिछले 7 साल से कहीं ना कहीं लोगों को पथभ्रमित भी कर रखा है। क्या लगता है इस भाजपा की सरकार से मुक्ति मिल पाएगी भारत के अंदर लोगों को? हाँ, राम को मानने वाले अब कम लोग होंगे क्योंकि ढोर गंवार शूद्र पशुनारी ये हैं ताड़न के अधिकारी, ये रामायण में लिखा है जी। मतलब स्त्रियों को ढोर के समान पिटाई करना चाहिए। तो ये बात स्त्रियों को जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन रामायण जलाया जाएगा। 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मनुष्य मूर्ति को जला के उसके बाद में 1950 में जब जो है भारतीय संविधान को स्थापित किया, तो क्या लगता है इस देश के अंदर अभी भी मनुवादी मानसिकता के लोग अभी भी जीवित हैं? यदि जीवित हैं तो उनको ओल्गा गंगा से ओल्गा जाना पड़ेगा क्योंकि ब्राह्मण जो है वो इस देश को अछूत बनाए हैं और जब 6000 साल पहले आए तब लोगों ने कहा कि जय सेवा, तो जय सेवा का जब अर्थ वो लोग जाने तो माने हम सेवा करने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने इस देश को गुलाम बनाया और जय सेवा के नाम से उनको अपने अछूत बनाया और आज जागृति आ रही है। अब खास करके वहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि संविधान में वो अविश्वास प्रस्ताव लाए, उसके बावजूद भी वो मोदी की आज्ञाकारी भक्त बन गई और जब हम इस बात को ले जाएंगे राष्ट्रपति के पास, मुर्मू के पास, मुर्मू द्रौपदी के पास ले जाएंगे तो वो सस्पेंड कर देंगे इसी आधार पर, क्योंकि जब राज्यसभा में पूरा बहस हो चुका और पास हो चुका तो उसके बाद फिर राज्यपाल का इस तरह से अड़ना यह उचित नहीं है और राज्यपाल मोदी के कहने पर चल रही है लेकिन राष्ट्रपति उसको सस्पेंड करेगी। सर देखा जाए कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जो 50% की जो आबादी है ओबीसी समाज, वो कहीं ना कहीं पथभ्रमित है, गुमराह है और ये भाजपा की सरकार उन्हीं के दल बल पे जो है सरकार बना रही है, तो क्या इस बार ओबीसी समाज के लिए भी आप कुछ कहेंगे? यदि
छत्तीसगढ़ को देखा जाए तो 50% नहीं है, बल्कि ओबीसी जो है वो धान के बिक्री के कारण उनके साथ है, और ओबीसी अपना आरक्षण चाहता है। 54% ओबीसी है तो 54% हमको आरक्षण चाहिए, इस बात पर बड़ी रैलियां निकली थी और अनसुईया उके उस पर अड़ी हुई है कि ओबीसी को वो आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और इसके कारण, इसका मुख्य कारण है वो मोदी के दबाव में है, और मोदी का दबाव ऊपर राष्ट्रपति के पास जब जाएंगे तो उसका कोई काम आएगा नहीं। राष्ट्रपति स्पष्ट तौर से कहेंगे कि जो सदन में पास हो चुका है उसके हिसाब से चलो, और वो मोदी का कहना नहीं मानती, वो जो संविधान में है जो तर्कसंगत है उसको मानती है। इसलिए हमको विश्वास है कि हम 90 का 90 सीट जीतेंगे और 11 लोकसभा है, 11 के 11 जीतेंगे और एक भी सीट हारेंगे नहीं। और विपक्ष भी सदन बनेगा और दुनिया में बेमिसाल होगा। सर देखे जाए इस समय जातिगत जनगणना जो है अहम मुद्दा है पूरे देश के अंदर, लेकिन जो भाजपा शासित प्रदेश हैं या भाजपा शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहीं भी इस बात को नहीं करना चाहते कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्या नहीं लगता है कि आपको जातिगत जनगणना होनी चाहिए इस देश की? जातिगत जनगणना होनी चाहिए और हम पिछड़ा वर्ग के लोग 54% है तो उसको 27% में मानना गलत है, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए भाजपा के नेता मंत्री आपको बदनाम करने में लगे रहते हैं कि आप जो है हिंदू विरोधी हैं, ब्राह्मण विरोधी हैं, इस बात को लेके वो आपको कहीं ना कहीं हाईलाइट करते रहते हैं, तो कैसे उन लोगों को जवाब देंगे? हिंदू शब्द ही गलत है, हम हिंदू नहीं हैं और हम किसान हैं और हिंदूवाद का हम विरोध करते हैं। लेकिन इस देश की राजनीति तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की धुरी पे टिकी हुई है, आपको वो कैसे नकार सकते हैं? राहुल संस्कृत्यायन पंडित थे और उन्होंने लिखा है कि वोल्गा से गंगा, वोल्गा से गंगा, हाँ अब हम करेंगे गंगा से वोल्गा, उनको भेजेंगे रूस। रूस हमारा मित्र देश है और रूस ने हमको परमाणु बम बनाने में सहयोग दिया है, और इसलिए रूस की को सेना की जरूरत है और ये ब्राह्मण रूस चले जाएं। जी क्या लगता है कि इस देश के अंदर कई बार जो है डीएनए टेस्ट की भी बात आई, जो लोग इस देश के अंदर यूरेशियन हैं जो बाहर से आके बसे हैं वो कहीं ना कहीं इस देश पे अपना कब्जा पूरी तरीके से कर चुके, तो कैसे उनसे मुक्त होगा भारत? हाँ ये प्रश्न बहुत अहम प्रश्न है और इसमें हम यही नारा देंगे कि जो हमको अछूत मानते हैं और अछूत बनाते हैं उनको वोट न दो, और वोट नहीं देने से वो शिथिल पड़ जाएंगे और उनको गंगा से उल्टा जाना पड़ेगा। लेकिन देश की अगर परिस्थिति की बात की जाए, आज देश के अंदर भुखमरी है, बेरोजगारी है, तमाम तरह की लोगों को परेशानियां भी हैं, और 5 किलो गेहूं राशन का दे के ये कहीं ना कहीं वोट को अपने कब्जे में कर लेते हैं, इसके विषय में भी कुछ कहेंगे? हाँ कांशीराम साहब ने कहा था कि हमको ईमानदार वोटर चाहिए, और जब तक ईमानदार वोटर नहीं रहेंगे उनका राज्य स्थापित नहीं होगा। तो जब तुलना होगी कि हमको राज्य चाहिए तो ईमानदार वोटर बन जाएंगे, और इनको वोट नहीं दिया जाएगा और इनको भागना छोड़ के भागना पड़ेगा। सर देखा जाए इस देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या राज्यों के मुख्यमंत्री हो, जब भी वो विदेश यात्रा पे जाते हैं वो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं और बुद्ध को प्रमोट करते हैं, राइट। लेकिन जब यहाँ के मंचों पे बात होती है तो कहीं ना कहीं बुद्ध को नकारते हैं और हिंदुत्व को आगे बढ़ाते हैं, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? वास्तविक में बुद्धमय भारत बनना चाहिए जी। और बुद्धमय भारत जब बनेगा तो हमको चीन से कोई भय नहीं रहेगा, और आज
चीन हमको धमकाता है इसलिए कि खंडित है भारत और पिछड़ा वर्ग अलग हो जाता है, ब्राह्मण अलग हो जाते हैं। तो अभी वातावरण जो बन रहा है वो ब्राह्मणवाद को समाप्त करने का है और ब्राह्मण लोग रूस चले जाएं, उसकी सेना को आवश्यकता है। और रूस ने हम रूस हमारा मित्र देश है और हमको 2.5 रुपये किलो में दुर्गापुर और भिलाई कारखाना बना के दिया है और रूस के कारण ही हम परमाणु युग में आए हैं। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी, इन लोगों ने जो असहयोग के द्वारा आज़ादी लिया है उसी असहयोग के द्वारा ब्राह्मण यहाँ से भाग जाएंगे। और अब असहयोग आरंभ हो गया है, ब्राह्मण अब जीतेंगे नहीं। बघेल साहब, अभी आपने माननीय काशीराम साहब का नाम लिया और काशीराम साहब ने हजारों किलोमीटर साइकिल चला के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को एकजुट किया, राइट? क्या लगता है कि भविष्य में फिर द्वारा ऐसा कुछ हो पाएगा कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग एक मंच पे आ पाए? हाँ, यही काम तो राहुल गांधी कर रहे हैं। भारत जोड़ो आंदोलन का अर्थ यही है कि हम छोटी छोटी पार्टियों को एकजुट करें और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण करें। यदि ये छोटी पार्टियाँ एकजुट हो जाते हैं तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके साथ में सारा देश में एक नया भारत का निर्माण होगा। जनता दल की सरकार में देखे जाए तमाम ओबीसी के नेता एक मंच पे आए थे, चाहे उसमें बीपी सिंह हो, लालू यादव हो, शरद यादव हो, रामविलास पासवान हो, अन्य बहुत सारे नेता उस जमाने में एक मंच पे आए थे और ओबीसी कम्युनिटी ने कहीं ना कहीं ये माना था कि ये देश हमारा है, यहाँ राज शासन भी हमारा होना चाहिए, लेकिन यहाँ मनुवादी ताकतों ने उसको तोड़ के खत्म करते और आज उन्होंने देश पे कब्जा किया हुआ है। कैसे मुक्त कर पाएंगे उन लोगों से? 1980 में जयप्रकाश नारायण को ये ज्ञान नहीं था कि ये ब्राह्मण विरोधी है और इसलिए ब्राह्मणों को साथ में लेकर और लालू प्रसाद यादव को वो गिरा दिए और जेल में डाल दिए, बर्फ की सिल्ली में उनको बिठाया गया और लालू साहब पंगू हो गए। और उसको हम देखने के लिए गए थे और अभी एक अच्छा कदम उठाया गया है कि लालू ने अपना किडनी ट्रांसप्लांट किया और अपनी जो बेटी है उससे वो किडनी लिए। तो जयप्रकाश नारायण को यह ज्ञान नहीं था कि ब्राह्मण विदेशी हैं और वो हमारे विरुद्ध काम करेंगे, इसीलिए लालू जी को बर्फ की सिल्ली में बैठाया गया और उनको पंगू बनाया गया। तो अब समय आ गया है कि सबको जानकारी हो गई है कि 6000 साल पहले वो लोग इस देश में आए और जय सेवा जो हमारा नारा था उसके द्वारा वो हमको गुलाम बनाया और विभाजन किए और अछूत बनाया और वो अछूत अब संगठित हो रहे हैं। यदि जिस दिन अछूत असंगठित हो जाएंगे उस दिन ब्राह्मणवाद समाप्त हो जाएगा। बघेल साहब, आखिर में चलते चलते मैं ये जानना चाहूँगा, आप वायुविद हैं और तकरीबन ज़्यादा नहीं तो आपको बहुत अच्छा तजुर्बा है, इस जाति भेद के विषय में अगर बात की जाए, जाति उन्मूल के विषय में बात की जाए, तो आखिर में क्या कहना चाहेंगे देश के लोगों के लिए? देश के लोगों के लिए हमारा कहना ये है कि जब तक के अछूत जातियाँ संगठित नहीं होंगे और ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं करेंगे तब तक के ब्राह्मण इस देश से बाहर नहीं जाएंगे। और जिस तरह से अंग्रेजों को महात्मा गांधी ने असहयोग करके बाहर भगाया, उन्होंने महात्मा गांधी ने प्रेम से ये कहा कि आप इस देश को छोड़ के चले जाओ, लेकिन अंग्रेज लोग जब नहीं गए तो मैनचेस्टर में कपास भेजना हम बंद कर दिए और मैनचेस्टर का मिल बंद हो गया तो उन्हें जाना पड़ा और वो गए। उसी तरह से जब चेतना आ रही है तो इस देश के दलितों में वो चेतना आ रही है और वो ब्राह्मण जो हमको अछूत बोलते हैं वो उसको भागना पड़ेगा।
राहुल संस्कृत्यायन जो ब्राह्मण थे उनका किताब यदि पढ़ा जाए, मैंने उसको पढ़ा है, तो अछूत जैसे जैसे एकजुट होंगे ब्राह्मण कमजोर होते जाएंगे।